पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद नोएडा के होटल मालिक सतर्क हो गए हैं। नोएडा के सेक्टर 15 के एक होटल में कश्मीरियों के होटल में आने पर रोक लगा दी गई है। होटल के मालिक का कहना है कि उनके होटल में आने वाले गेस्ट कश्मीरियों के होटल में रुकने पर आपत्ति जता रहे हैं, लिहाजा उन्होंने होटल में कश्मीरियों के होटल में आने पर पाबंदी का बोर्ड लगाया है। अमित जी, आपने अपने गेस्ट हाउस पर कश्मीरी नोट अलाउड का एक बोर्ड लगाया है, क्या कारण क्या है उसका? क्या देखिए, हमारे जो गेस्ट आते हैं उन गेस्ट को प्रॉब्लम है कि अगर कोई कश्मीरिया रुकता है तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो हैं उनकी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, चूँकि हम किसी गेस्ट की तलाशी तो ले नहीं सकते, ना जामा तलाशी ले सकते, ना बैग चेक कर सकते, तो हम लोगों ने जो है ये लिखा है कि नोट अलाउड। तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों से असहज हैं पुलवामा हमले के बाद, या उनके आपके मन में उनके प्रति छवि बदली है क्या? नहीं, हम तो असहज हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो ज़्यादा असहज हैं। तो हम एक रूम की चेकिंग के लिए जो बाकी गेस्ट को जो है भयभीत नहीं रखना चाहते। लोग कहते हैं कि अगर आपके यहाँ कश्मीरी रुका है तो हम नहीं आएंगे। तो क्या आप ये मानते हैं कि हर कश्मीरी इस टाइम संदिग्ध बिल्कुल नज़रों से देखा जा रहा है? लेकिन कौन इस बात को जो है जांच करेगा कि कौन है कौन नहीं है? उस रास्ते में चलो जिस रास्ते कांटा लगता हो। तो जैसे कि पिछले दिनों शारदा में भी हुआ था और दो कॉलेज में भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी जो है काफ़ी उपद्रव मचाने में इस टाइम कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई कभी समस्या नहीं हुई, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं जिसे वो चेक इन करने के लिए आए हैं और कोई और भी चेक इन करने के लिए आ गया है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हम जो है हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कहीं ना कहीं आपके कहने में कहीं ना कहीं जो और लोग आते हैं और शायद महसूस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस प्रभावित होता है। कानपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने कार को भीषण टक्कर मार दी जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृत परिवार पश्चिम बंगाल के हावड़ा में तैनात आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरविंद आनंद का है। सभी लोग बरेली से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। एक्सीडेंट लापरवाही ट्रक वाले ने की है जानबूझ के, और एसडीएम में यहाँ इतना बदमाश है, डेली चालान करता, ट्रक वाले भागते हैं और लापरवाही में इसने जानबूझ कार में टक्कर मारी है। इसमें कितने लोगों की मौत हो गई? 5। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? संभवतः कुछ लोगों का ना कानपुर से आ रहे थे, कुछ लोगों का ना इधर जा रहे थे, एमपी रहने वाले, कानपुर से एमपी जा रहे। हाँ, इतनी टक्कर है, गाड़ी घूम गई है, उसमें बहुत हरियाणा लगवा। मथुरा में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस दिल्ली से बाहर जा रही थी। बुलंदशहर में नहर में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार मुरादाबाद से मथुरा जा रही थी, तभी अचानक से कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 को गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया। घटना बुलंदशहर के अनूपशहर की है।